अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर किसानों के देशव्यापी आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा की जाले इकाई और भाकपा माले की ओर से जाले प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व भाजपा माले के प्रखंड सचिव ललन पासवान, अखिल भारतीय किसान महासभा जाले के अध्यक्ष राजीव पासवान और युवा नेता कॉमरेड शहजाद तमन्ना ने संयुक्त रूप से किया। धरना से पूर्व आंदोलनकारियों ने किसान विरोधी काला कानून वापस लो, कॉरपोरेट घरानों की दलाली करना बंद करो, सरकारी संस्थानों का निजीकरण बंद करो, आंदोलन कर रहे किसानों का दमन करना बंद कर रहो इत्यादि गगनभेदी नारे लगाते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे, फिर धरना पर बैठ गए। धरने को संबोधित करते हुए भाकपा माले के वरिष्ठ नेता सह इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद सिद्दीकी ने केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार काला कानून वापस नहीं लेगी तो देश के किसान सरकार को करारा जवाब देंगे। भाकपा माले जाले के प्रखंड सचिव ललन पासवान ने कहा कि किसानों की लड़ाई में भाकपा माले का पूरा साथ है और रहेगा। धरना को पूर्व मुखिया सुशील मिश्र, सरफराज अंसारी, उदय यादव, रूपेश मंडल, रामलाल पासवान, हिमांशु मिश्र, जोगिंदर पंडित इत्यादि ने संबोधित किया। इसके बाद 4 सदस्यीय शिवमंडल ने मांगों का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी को सौंपा। इसमें किसानों के सवाल पर जो तीन कृषि बिल जो लाया गया है, जो किसान विरोधी काला कानून है, उस काला कानून के लेकर पूरे देश के किसान सड़क पर उतरा हुआ है, उसके समर्थन में आज हम लोग बिहार के जाले प्रखंड के मुख्यालय पर हम लोग किसान सभा के बैनर से हम तमाम किसान यहां पर तो उसके समर्थन में आए हुए हैं। और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो मांग है वो मांग को पूरा करें, नहीं तो आंदोलन अनावरत चलेगा। चलते रहिए, बात करते रहिए, सबका फोटो भी तो आना चाहिए। आंदोलन अनावरत चलेगा, इसलिए हमारा मांग को स्वीकार करें। हमारी मांग जायज है, सभी लोगों ने कहा है, सभी देश के किसानों ने कहा है कि हम जो किसान हैं, किसान बदहाल बने हुए हैं और एक कॉरपोरेट नीति लाया जा रहा है। एक कॉरपोरेट नीति ला के और किसानों को रोड पर ला के खड़ा कर देगा, ये मोदी की सरकार की चाल है। इसी विरोध में हम लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं। अच्छा, और किसान के बारे में जैसे कोई जैसे कि खेती बाड़ी के विषय में जैसे ढलान हो गया है, ये सब अभी देखिएगा। खास करके जिस यहाँ पे हम लोग अभी है जाले प्रखंड मुख्यालय पर, यहाँ पे पूरे ब्लॉक में पानी जो है सैलाब आया हुआ था बाढ़ का पानी, और पूरा किसान तबाह हो गया। उसका फसल दो बार लगाया, दो बार फसल ढह गया। आज तक 1 रुपया जो है किसानों का मुआवजा नहीं मिला है। हम मुआवजा की मांग करते हैं। दूसरी बात में अभी देखिएगा, किसान का जो पानी घट गया खेती से, तो किसान समय पर खेती किया है, लेकिन व्यवस्था द्वारा सरकार द्वारा अभी तक का जो है आप जो है वहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है बीज का, जो कि बीज भी जो है किसान आता है तो खाली हाथ लौट के जाना पड़ता है। ये भी बहुत बड़े है। हम मांग करते हैं आंदोलन के माध्यम से कि किसानों को जो है होम डिलीवरी बीज उपलब्ध कराया जाए, खाद बीज का जो भी मामला है कि किसानों को होम डिलीवरी किया जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ ललन पासवान, CPIML अंचल मंत्री। ठीक है सर, आपसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। आओ कमरे तुम आओ। इसमें किसानों के सवाल पर जो तीन कृषि बिल जो लाया गया है, जो किसान विरोधी काला कानून है, उस काला कानून के लेकर पूरे देश के किसान सड़क पर उतरा हुआ है, उसके समर्थन में आज हम लोग बिहार के जाले प्रखंड के मुख्यालय पर हम लोग किसान सभा के बैनर से हम तमाम किसान यहाँ पर तो उसके समर्थन में आए हुए हैं। और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो मांग है वो मांग को पूरा करें, नहीं तो आंदोलन अनावरत चलेगा। चलते रहिए, बात करते रहिए, सबका फोटो भी तो आना चाहिए। आंदोलन अनावरत चलेगा, इसलिए हमारा मांग को स्वीकार करें। हमारी मांग जायज है, सभी लोगों ने कहा है, सभी देश के किसानों ने कहा है कि हम जो किसान हैं, किसान बदहाल बने हुए हैं और एक कॉरपोरेट नीति लाया जा रहा है। एक कॉरपोरेट नीति ला के और किसानों को रोड पर ला के खड़ा कर देगा, ये मोदी की सरकार की चाल है। इसी विरोध में हम लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं। अच्छा, और किसान के बारे में जैसे कोई जैसे कि खेती बाड़ी के विषय में जैसे ढलान हो गया है, ये सब अभी देखिएगा। खास करके जिस यहाँ पे हम लोग अभी है जाले प्रखंड मुख्यालय पर, यहाँ पे पूरे ब्लॉक में पानी जो है सैलाब आया हुआ था बाढ़ का पानी, और पूरा किसान तबाह हो गया। उसका फसल दो बार लगाया, दो बार फसल ढह गया। आज तक 1 रुपया जो है किसानों का मुआवजा नहीं मिला है। हम मुआवजा की मांग करते हैं। दूसरी बात में अभी देखिएगा, किसान का जो पानी घट गया खेती से, तो किसान समय पर खेती किया है, लेकिन व्यवस्था द्वारा सरकार द्वारा अभी तक का जो है आप जो है वहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है बीज का,
जो कि बीज भी जो है किसान आता है तो खाली हाथ लौट के जाना पड़ता है, ये भी बहुत बड़े हम मांग करते हैं आंदोलन के माध्यम से कि किसानों को जो है होम डिलीवरी बीज उपलब्ध कराया जाए, खाद बीज का जो भी मामला है कि किसानों को होम डिलीवरी किया जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ ललन पासवान, CPIML अंचल मंत्री। ठीक है सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आओ कमरे तुम आओ।